जैसा आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के अधिकार छीनने वाला जो मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी किया, 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारत एक जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार को जनता के काम करने के लिए पूरे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 2015 में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी पावर्स छीन ली थी। जो पावर्स शीला दीक्षित जी के पास होती थी, वो पावर्स हमसे सारी छीन ली गई, सरकार को पंगू बना दिया गया। उसके बावजूद भी हमने काफ़ी काम किए, हम ही जानते हैं कैसे काम किए। लेकिन 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और 8 दिन के अंदर ही 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। और मोदी सरकार ने कहा कि दिल्ली के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए, बल्कि एक तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया, दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया कि तुम जो मर्जी सरकार चुन लो, उसको काम नहीं करने देंगे हम। ये मोदी सरकार का संदेश है दिल्ली के लोगों को, आप जो मर्जी सरकार चुनिए, हम आपको काम नहीं करने देंगे। ये अध्यादेश आया है और ये अध्यादेश अब बाद में मानसून सेशन में संसद में आएगा। तो संसद में जब आएगा तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। 238 सदस्य हैं, जिसमें 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आ जाएं, तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक-एक पार्टी अध्यक्ष से जाके मिल रहा हूं और उनकी हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आए तो वो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हों, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाएं। दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के लोगों के साथ। तो इसी सिलसिले में मैं ममता बनर्जी से, मैडम से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। ठाकरे साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। एनसीपी से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। केसीआर साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। उसी सिलसिले में आज मैं सीताराम येचुरी जी से, उनकी टीम से और सीपीएम पार्टी से सपोर्ट मांगने के लिए आया कि इस राज्यसभा में आप हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने आप अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने का आपने निर्णय लिया, हमें सपोर्ट दिया। और आज आपके दफ्तर में जब हम आए, आपने इतना मान सम्मान दिया, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और थैंक यू।